आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। बांगरमऊ पुलिस ने 3 छात्र चोरों को गिरफ्तार किया है जिनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार और नकदी बरामद की गई। उन्नाव एसपी अविनाश पांडे ने इस पूरे मामले का खुलासा कर मीडिया को जानकारी दी। खबर उन्नाव से है जहां बांगरमऊ पुलिस को अभियान के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। 10 और 11 सितंबर को दुकान से चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह चोर शातिराना ढंग से घटना को अंजाम देते थे जिनके कब्जे से अवैध हथियार और नकदी बरामद हुई है। देखिए 10:50 की रात्रि में थाना बांगरमऊ के जो मुख्य बांगरमऊ कस्बा है उसके आउटर इलाके में 6 जो ये डटरी टाइप की दुकानें होती हैं उन 6 दुकानों में नकब लगाकर चोरी हुई थी। उसमें से जो जो सामान गया है वो सारा बरामद किया गया है एवं 3 छात्र चोरों को जिसमें 2 का पुराना आपराधिक इतिहास भी है। एसपी अविनाश पांडे के नेतृत्व में बनाई गई पुलिस टीम ने रात को कल्याणी नदी तिराहे पर संदिग्धों को रोककर पूछताछ की जो माल बेचने के लिए जा रहे थे। एसपी उन्नाव अविनाश चंद्र पांडे ने खुलासा करते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पुराने मामले भी प्रकाश में आए हैं, वहीं इनके नेटवर्क को भी खंगाला जा रहा है। उन्नाव से जितेंद्र मिश्रा, आजाद पब्लिक न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।